भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं भोरू की सब्जी, जो कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले पूछी थी कि ये किस चीज की सब्जी है और जंगलों में पाई जाती है और मशरूम की प्रजाति की है। तो इस तरह से इसे खुले पानी में धोना पड़ता है। बहुत सारी इसमें मिट्टी होती है जिसे मैंने कई पानी से धोया है, फिर इसे थोड़ा सा चाकू से जो है वो साफ किया है। तो इस तरह से ये साफ होके इस तरह से दिख रहे हैं। अब इसे हम काटेंगे और इसको, ये सीजन की अब लास्ट सब्जी है, तो पहले भी हमने खाई है और इसका इस बार बनाने का जो तरीका है वो अलग होगा, बटर मशरूम की तरह होगा। तो आज मैं आपके साथ जो है वो ये बटर मशरूम की तरह बटर भोरू जो है उसकी सब्जी शेयर करूंगी। तो इस तरह से ये हमारे धुल चुके हैं, अब इसे काटेंगे और इसे पकाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये दो तरीके के होते हैं, काले और सफेद कलर के। तो काले इस तरह से हैं और सफेद इस तरह से हैं। खाने में काफी ही स्वादिष्ट होते हैं, जिसने खाए होंगे वो अपने आप कमेंट में बताएंगे किस तरह से ये स्वादिष्ट होते हैं। ये जो भोरू हैं इनको आप बना सकते हैं टमाटर प्याज की ग्रेवी में, जैसे हम मशरूम तैयार करते हैं वैसे भी तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने वैसे बनाए थे, तो इस बार मैं थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। इसमें जैसे हम बटर मशरूम बनाते हैं तो वैसे ही तैयार करूँगी, मशरूम की ही ये प्रजाति है एक, और बटर में इसे तैयार करूँगी। तो आप देख पा रहे हैं ये बटर मैंने डाल दिया है, और काफी स्वादिष्ट ये बनते हैं। तो ये मैंने बटर डाल दिया है, एक टिक्की डाल दी है, आप देख पा रहे हैं जो ये बटर है, थोड़ा सा मैंने रखा है। तो इसमें हमने टमाटर यूज नहीं करने हैं, सिर्फ प्याज यूज करना है। तो आप देख सकते हैं बटर जो है पिघल चुका है। तो ये बटर आप देख रहे हैं पिघल चुका है, और अब इसमें हमने प्याज खूब सारा डालना है, टमाटर नहीं डालना है तो प्याज डालना है। तो प्याज मैंने 3 बड़े प्याज जो है इसमें डाल दिए हैं। और साथ में हम डालेंगे इसमें गार्लिक, जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट जो है इसका देगा। बटर थोड़ी देर, बटर तो डाल दिया, बट गार्लिक जो है वो, लहसुन जो है वो थोड़ी देर में डालेंगे। इसे ब्राउन होने तक जो है वो पकाएंगे प्याज को, फिर उसके बाद जो है वो लहसुन जो है वो मिक्स करेंगे। आप देख पा रहे हैं हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे गार्लिक। तो ये बन जाएगा गार्लिक बटर मशरूम। तो इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, बड़ी इलायची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मेथी पाउडर, और इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका कलर जो है देखो वाइट ही रखना है। बटर गार्लिक मशरूम बन रही है ये, जो कि जिसे हम भोरू भी कह रहे हैं, इसका नाम वैसे भोरू है, और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और फिर इसे
ढक देंगे पकाने के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं छोटा गिलास जो है, आधा गिलास जो है इसमें पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद जो है इसे पकने के लिए जो है रख देंगे और बीच बीच में जो है हिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। इस तरह से ये बटर गार्लिक घोरू बनके तैयार हो चुके हैं। और हो सकता है कि आपको देखने में अच्छे ना लगे, पर खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे, क्योंकि ये स्पेशली इसमें प्याज और लहसुन और बटर इसके साथ मिक्स है, तो इसका अलग ही टेस्ट है। और मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर करें, ताकि ये विलुप्त हो रही जो सब्ज़ी है इसकी जानकारी जिन्हें है उन्हें इसे पता चल सके। और बहुत से लोगों को ये मिलती नहीं है, जानकारी तो होगी पर ये मिलती नहीं है, तो उनको ये देख के, ये सब्ज़ी देख के याद आ जाए। तो ये एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।